आप सभी विद्यार्थियों का जयशंकर विथ विपिन सर क्लासेज में स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए जो हर वर्ष बोर्ड में आता है, जो 2020-21 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम इसकी क्षमता को देखते हैं। इसकी जो परिभाषा है लेंस की क्षमता, जिसे अंग्रेजी में पावर ऑफ ए लेंस कहते हैं, किसी लेंस की क्षमता जिसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, पी मतलब पावर, लेंस की फोकस दूरी के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र रूप में क्षमता पी यानी पावर बराबर 1/ फोकस दूरी मीटर में, अथवा पी बराबर 100/f सेंटीमीटर में होता है। यह इसका सूत्र है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। इसे आप लोग याद रखे रहेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं जब सॉल्व करेंगे तो इसको याद रखना अति आवश्यक है। आइए इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम अवतल और उत्तल कन्फर्म कर पाएँ। क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। हम लोग जानते हैं अवतल लेंस किस में होता है, ऋणात्मक में होता है। तो एग्जांपल के लिए है, यदि लेंस की फोकस दूरी f का मान सेंटीमीटर में दिया हो, तब लेंस की क्षमता, हम लोग सूत्र जानते हैं, p बराबर f बटे 100 बराबर 1/f ही होता है, 1/f/100 बराबर 100/f डायोप्टर होगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, अतः यह बराबर -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए अवतल लेंस की क्षमता P बराबर 100 × -100 होगा बराबर, जब हम 100 से 100 काट देते हैं तो 1 होता, यानी 100 से 100 में भाग देंगे तो 1। हम लोग जानते हैं इसका जो मात्रक है वह डायोप्टर है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता P बराबर -1 डायोप्टर होगी। इसी तरह से यदि इसी सवाल में उत्तल लेंस की क्षमता पूछा होता तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती वह धनात्मक हो, फोकस दूरी धनात्मक होती और f बराबर 100 सेंटीमीटर होता और उत्तल लेंस की क्षमता p बराबर 100/100 होता बराबर 1, जो कि धनात्मक होता। यह उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होती। इस तरह से हम लोग उत्तर और अवतल लेंस की क्षमता के बारे में अध्ययन किया। अगला वीडियोज आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। आप सभी विद्यार्थियों का पूरा वीडियो देखने के लिए